हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। हम आपके लिए नई टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट सीरीज़ कह सकते हैं आप उसे, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर राजस्थान के लिए। तो स्टार्ट करते हैं DCO स्क्रीनिंग टेस्ट पार्ट 1, जो कि पुराने ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे गए जो भी सवाल थे, वो सारे हम सवाल यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सो द HPTLC सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट, तो उसके पार्ट्स हैं स्कैनर, एप्लीकेटर, चैम्बर, पोटेंशियोमीटर। हम सब जानते हैं कि HPTLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। HPTLC एक एडवांस वर्जन है TLC का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसके अंदर एक स्कैनर होगा जो डिटेक्ट करेगा, एप्लीकेटर होगा जो अप्लाई करेगा आपके सैंपल को, चैम्बर होगा जहाँ पर TLC रन होगी, और लास्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का कोई रोल नहीं यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नहीं यूज़ हो सकता HPTLC के अंदर। सो राइट आंसर इज़ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज़ द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3, 7, 15, 31, 57। अब आप देखिए यहाँ पर 7, 15, 31, 57, सिर्फ 15 ही ऐसा न्यूमरिक है जो किसी से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, पर 7, 31, 57 प्राइम नंबर से जो खुद ही से डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनका कोई डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रू द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड एज, फर्स्ट पैसिव डिफ्यूजन, डायपेडेसिस, केमोटेक्सिस, पिनोसाइटोसिस। पैसिव डिफ्यूजन जानते हैं हम लोग, जब ग्रेडियंट के लिए फ्लो होता है लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, विदाउट कंजप्शन ऑफ एनी ATP, देन इट इज़ कॉल्ड पासिव डिफ्यूजन। तो ये हो ही नहीं सकता। डायबिटिसिस इज़ द राइट आंसर, बिकॉज स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रू द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरी, द टर्म विच इज़ कॉल्ड इट इज़ डायबिटिसिस। कीमोटेक्सिस, जब किसी केमिकल की ओर कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, लोअर टू हाई, देन इट इज़ कॉल्ड कीमोटेक्सिस। पिनोसाइटोसिस इज द ईटिंग ऑफ सेल बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग ऑफ सेल बोल सकते हैं हम लोग, जब सेल कुछ खाता है चीज़ या पीता है, तो पिनोसाइटोसिस उस टर्म को बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज डायबिटिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंबाइंड ड्रग रेजिमेन TB इज मेनली, TB इज ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव थेरेपी, टू डिले द इमरजेंसी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, प्रमोट प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ द पेशेंट, टू गेट बेटर इफेक्ट। तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर सबसे मेन जो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका ड्रग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो TB के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और ड्रग से रजिस्ट हो जाते हैं, और पेशेंट का जो मेडिसिन का टेन्योर होता है वो बहुत ही लंबा होता है। तो प्रोबेबली द चांस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इज मेनी मोर, मच मोर। सो द राइट आंसर इज़ टू डिले द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। तो हम लोग कंबाइंड ड्रग रेजिमेन बनाते हैं, बहुत सारे ड्रग रेजिमेन बनाते हैं कि एकदम से वो किसी पर्टिकुलर दवाई के लिए पेशेंट रेजिस्टेंस ना हो। सो द राइट आंसर इज़ द डिले टू डिले द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। लेमिनार एयर फ्लो इज़ यूज फॉर एसेप्टिक टेक्निक, इंक्यूबेशन, फर्मेंटेशन, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो वी ऑल नो दैट इंक्यूबेशन करना होता है जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो करवानी हो हमें। फर्मेंटेशन भी एक तरह का, मतलब इंक्यूबेशन बोल सकते हैं आप किसी को, माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं, फर्मेंटेशन उसी को बोलते हैं, ग्रो कर रहे हैं। और डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो लेमिनार एयर फ्लो का स्पेसिफिक ग्रेविटी से कोई ताल्लुकात नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज़ अ डेंसिटी। सो द आंसर इज़ एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक जब भी हम लोग ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं या माइक्रोब्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी कल्चर के अंदर इंक्यूबेशन करने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए, तो वहाँ लेमिनार एयर फ्लो यूज होता है कि कोई और बैक्टीरियाज और दूसरी चीज़ें उस पर इंटरेक्ट ना करें। सो द आंसर इज़ एसेप्टिक टेक्निक। नेक्स्ट है, यूवी रेडिएशन लाइज इन द रेंज ऑफ 400 to 650 नैनोमीटर, 200 to 400 नैनोमीटर, 900 to 1200 नैनोमीटर एंड 1400 नैनोमीटर टू मोर। तो द राइट आंसर इज़ 200 to 400 नैनोमीटर। सो यहाँ पर हम चार्ट देख सकते हैं, 200 to 400 नैनोमीटर में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। अगर 100 से भी बात करें तो भी 100 से 400 तक अल्ट्रावायलेट रेज आएगी। 400 के ऊपर 650, 800 नैनोमीटर तक आती है विजिबल रेडिएशन एंड सो ऑन, इन्फ्रारेड एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
इज एडेड एज अ रिड्यूसिंग कंपाउंड टू द मीडियम टू डिक्रीज इट्स ऑक्सीजन कंटेंट. सो जो रिडक्शन करेंगे यानी ऑक्सीजन कंटेंट को कम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट. सो सोडियम ट्रोकोलेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम थायग्लोकेट. सो वी ऑल नो दैट सोडियम थायोग्लाइकेट इज़ द राइट आंसर फॉर एंटी ऑक्सीडेंट. सो दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज इन कैलकुलेशन ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल इन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग. नॉइज विटनी इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, स्टॉक्स इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन. नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज जब कुछ टेबलेट का डिजोल्यूशन होता है या फिर कोई मॉलिक्यूल डिजोल्व होता है, देन वी यूज नॉइज विटनी इक्वेशन. गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जब गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है किसी सिस्टम की, देन वी विल यूज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. स्टॉक्स इक्वेशन सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन रेट निकालने के लिए यूज़ होती है. एंड द लास्ट वन इज अरेनियस इक्वेशन विच इज़ द राइट आंसर. अरेनियस इक्वेशन यूज़ होती है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में शेल्फ लाइफ कैलकुलेशन के लिए. जो इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. रेट कॉन्स्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, केल्विन टेम्परेचर, द गैस कॉन्स्टेंट, ये सारे पैरामीटर से हम लोग अरेनियस इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं और उससे हम लोग शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी एन ओ टी सी ड्रग. ओ टी सी मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग. ओवर द काउंटर में हमको जो नॉर्मल कुछ बीमारी है तो उसके लिए हमें जो ड्रग्स मिलती है इस कॉल्ड ओ टी सी ड्रग. ओवर द काउंटर ड्रग जो हमको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है किसी भी मेडिकल स्टोर से. सो उसका आंसर हम सजेस्ट करेंगे तो होगा बी, एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी नहीं मिल सकती है. एंटासिड आपको फ्रीली अवेलेबल मिलती है, मल्टीविटामिन सिरप मिल सकती है, कैल्शियम टेबलेट मिल सकती है, पर एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्प्स इज अन एक्यूट डिसीज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म. एच आई वी, पैरामक्सिस वायरस, पोलियो वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस. एंड द राइट आंसर इज पैरामिक्सो वायरस. मम्प्स एक तरह की वायरल बीमारी है जिसमें जो थायरॉयड ग्लैंड होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उसकी, तो ये होता है पैरामिक्सिस वायरस. लाइफ में एक बार आपको मम्प ज़रूर होते हैं. अगर आपने टीका लगवाया है, इसका वैक्सीनेशन किया है, तो लाइफ में कभी नहीं होता है. और अगर एक बार मम्प्स हुए हैं तो फिर लाइफ में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ सुटेबल एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर. तो ये भी एक वायरल डिसीज़ है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं डीसीओ वैकेंसी के लिए. हम बहुत ही जल्दी उनको बनाकर आपके प्रेजेंट करेंगे.